तो इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को ध्यान रखें कि हम सब लोग यहाँ हैं तो बिहार के हित के लिए, बिहार के तरक्की के लिए। और स्थिरता जब तक नहीं रहेगी कोई सरकार में, जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और हमको तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति, इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो वहां विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए तो क्या बोलिएगा? तू गरियात रहला पहले, अब तू बढ़ाई करत रहो, क्या बोलब? हमने नौकरी दिया ही कहेंगे। क्या बात कर रहे हो? तो दूसरा, एक विधायक अगर मेरे को झुटला दे कि अब सच बात बोल रहे हैं, भाजपा का लोग का तो शपथ ग्रहण जब हुआ उससे एक दिन पहले ही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, अब तो यही बोलेंगे मुख्यमंत्री जी अरे अभी तो हुआ, आप लोग काहे नाम दे रहे हैं, खैर बात अलग है। तो अफसर सही, अरे हमको क्या है, अब बोलेंगे वो नहीं किए नहीं किए, कर दिए तो भी खुश नहीं भी खुश, आप लोग अपना चिंता कीजिए। तो एक बात समझिए, अफसर शाही इतना हावी है, अफसर शाही इतना हावी है कि हम नहीं आप ही लोग बोलते हैं, आप ही लोग बोलते हैं। अरे सब फुटेज है, कौन कौन बोला है सबका फुटेज है, सब दिखा देंगे। हाँ ये तो सम्राट चौधरी जी शपथ से पहले दिल्ली में इंटरव्यू दे गए थे, जरा फिर से देख लीजिएगा, हमको बोलने की क्या जरूरत, सब तो अपने आप लोग बोलते हैं करते हैं। तो हम इतना कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि कुछ भी लोग किया, भाजपा इतनी डरी हुई थी अब हमारे गठबंधन से, महागठबंधन से, आज मजबूरन देख लीजिए कुछ भी लोग इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हो, कुछ भी धर्म के नाम पे राजनीति करते रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी को डर भाजपा को था तो बिहार से था, डर था आपसे, डर था हम साथ थे उसका डर था, हम दिल से बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी शांति शांति, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हम जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो 2-3 कैबिनेट से फाइल अटका पड़ा है भाई, हेल्थ पब्लिक हेल्थ कैडर का, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का हमने बोल दिया कि 1,30,000 लोगों का वैकेंसी का है, वो करवा दीजिए, कितना बार हम फोन करें, मेरे पास मैसेज है विजय जी को मैसेज के, सब रिकॉर्ड में है, प्रत्यय अमृत आपके होनहार अधिकारी हैं उनसे पूछिए, दीपक जी से पूछिए, हम आपको कई बार बोले, विजेंद्र यादव जी को बोले, विजय जी को बोले कि कम से कम ये वाला पब्लिक हेल्थ केयर जो हम कर दिए हैं और ये कैबिनेट ही में नहीं आ रहा है, कम से कम इस पे तो कीजिए, लोगों को बहाली होगी, रिक्त पदे हैं भरा जाएगा, काम किया जाएगा, मैसेज लोगों का अच्छा जाएगा, यही तो एजेंडा था। तो हम तो देखिए ना, आप लोग अगर 12,000 वोट के अंतर से छल कपट करके जीत के 2020 में आए तो 5 साल का ना था, 5 साल में, 5 साल में, अभी तो 3.5 साल चल रहा है, उसमें से हम लोग 17 महीना रह लिए, उसमें 17 चोर, अच्छा, भैया चोर दरवाजे से अगर हम घुसे तो चोर का दरवाजा किसने खोला? अरे बता भाई, माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, 4 बजे तक समय है। आप लोग छोड़िए ना, आप लोग को तकलीफ होगा, जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा, समझे? और आज हमारे प्रहलाद जी सबसे
बुजुर्ग शांति शांति देर नहीं, बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि 9 बार शपथ आप क्यों लिए, 1 साल में 3 बार शपथ क्यों लिए। लेकिन हम तो यही ना खाली कह रहे कि भाई जो प्रहलाद जी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कितना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा, और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पर वो खड़े होकर